अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं इमरान नई वीलॉग्स। और फैसल भाई, कुछ जो है ना इमरान भाई, कुछ मसाले मसूले चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो हमने कहा शेयर कर लें। मसाले तो चल रहे हैं टॉपिक्स में, लेकिन मसाले चल रहे हैं असल में भी, क्योंकि दावत खास हुई है आज। वो वाली दावत हो रही है, खाबे खाए जा रहे हैं, दावतें उड़ाई जा रही है। मुसलसल दूसरा दिन था आज खाबों का, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने फैसल भाई मेहमान बनी है वो शाहिद खान अफरीदी की, इनके घर आज दावत थी, तो ज़बरदस्त माहौल था। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की ओडीआई स्क्वाड जो अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ है, और जो टेस्ट स्क्वाड था, सब मिल के वहाँ पर गैदर हुए हैं, तो बहुत अच्छा एटमोसफेयर था। और कल सरफराज की तरफ दावत थी और आज अफरीदी की तरफ दावत थी, दोनों कराची में रहते हैं, और कराची वालों ने जो है ना दावतें करना स्टार्ट कर दी पाकिस्तान टीम की। और ओडीआई टीम भी जो है वो भी पहुंची, और यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है इतने इतने बड़े प्लेयर्स के घर जाके खाना चाना खाने का, उनके साथ गेट टुगेदर करने का। आपने एक चीज़ को और गौर किया होगा कि इंतजामिया में जैसे वो शहीन शाह अफरीदी भी नजर आए हैं, और एक और जो अभी टीम से बाहर ही हुए हैं मोहम्मद रिजवान, वो भी इंतजामिया में थे। मस्के मस्के लग रहे हैं शाहिद अफरीदी को, ये क्या हो रहा है ये आप ही थोड़ा बता सकते हैं जी। मोहम्मद नवाज भी वैसे भी आज बहुत ही ना उन्होंने जोश दिली से मिला है, खुश दिली से मिले हैं वो शाहिद अफरीदी से, और बोटियों पे हमला कर दिया। लगता है कि वो टीम में वापस आना चाह रहे हैं, उनको पता है कि मेरी परफॉर्मेंस इतनी खास हो नहीं रही तो मुझे इस तरीके से आगे जा सकूँ। तो ये अच्छा, एक और वजह ये भी हो सकती है मेरे ख्याल से, जो रिसेंटली इनकी शादी हुई है इनकी बेटी की शाहिद अफरीदी साहब की, शायद इसी के लिए ही उन्होंने दावत निकाह को दिया हो कि जी आप हमारे पास आएँ, या तो ये वजह है या फिर सिलेक्शन में उनको बताना चाह रहे हैं कि जी आएँ मेरे साथ, ज़रा बना के रखें जो मेरे साथ अब जो नाराज भी था वो सेट हो जाए मेरे साथ जी। तो वैसे भी अगर यही अगर बात थी इरफान भाई, तो जो मोहम्मद आमिर है उनको भी अगर दावा दे दी जाती है, शर्जील खान जो बेचारे फिटनेस की वजह से रह गए, तो कुछ और प्लेयर्स को बुला लेते ताकि हमें ज़रा क्लैरिटी हो जाती है वहाँ को कि फिर आगे टीम में क्या फ्यूचर क्या आ रहा है, बेसिकली कुछ थोड़ी हिंट्स मिल जाती है। इमरान वो थोड़े से वो कहते हैं ना मेरे ख्याल से जो कुछ पत्ते छुपा के भी रखने पड़ते हैं इमरान, मेरे ख्याल से आमिर और शर्जील को भी इतना वो ओपन कर नहीं सकते हैं बेसिकली, वो मेरे ख्याल वो टीम में सिलेक्ट नहीं हुई, इस वजह से जो सिलेक्ट जो टीम हुई है उनकी दावत अभी, और वो अपने आप को क्रिटिसाइज का हिस्सा नहीं बनाना चाहते। शाहिद अफरीदी एक बड़ा नाम है और उनका आपको पता है इज्जत है, तो वो मोहम्मद आमिर के किसी भी कंट्रोवर्सी में आना नहीं चाहते, इसलिए शायद उन्होंने उनको इनवाइट नहीं किया। तो मानिए आप मुझे बताएं, दावत आज अफरीदी के घर थी, तो मुझे शाहीन शाह अफरीदी वो मेजबान थे या फिर मेहमान थे, आप उनको मिक्स ही कह सकते हैं, क्योंकि उनका एक रिश्ता भी है शाहिद अफरीदी के साथ, और थोड़ा सा इंतजामिया में उन्होंने एक टच दिया है, यानी कि वो वीडियोस में तो ये लग रहा है टच दे प्लेटें वगैरह उन्होंने लगाई होगी, इसका मतलब ये है कि उनकी तो पक्की सिलेक्शन होगी ना मानी, जब तक वो है जब तक शाहिद अफरीदी उनके तो पक्की वो इस वजह से सिलेक्टिंग है। वैसे भी वो फरहान भी वो जरा उनका टैलेंट भी है, उन्होंने अपनी जो टीम में जगह है वो मनवाई भी थी, जिसकी वजह से वो टीम में है, और इसलिए वो क्रिटिसाइज होते भी नहीं जिस तरह इमामुल हक को लोग अक्सर पर्ची कहा करते थे, मगर वो भी अब जो है उनके ऊपर से लेबल खत्म हो गया। लेकिन एक बात है कि आज उनको स्पेशल खाना मिला, आज वो जो इमामुल हक और बाबर आजम भी वो आपस में डिस्कस करते नजर आए हैं, वो जो रन आउट था उसी तरह वो कह के लग रहे थे, तो बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर था कि उनकी आपस में लड़ाई नहीं हुई। तो ऐसा एक गेट टुगेदर होना चाहिए, टीम जो है वो तो फ्री माइंड से रहती है, और ओडीआई सीरीज से पहले एक फ्रेश माइंड से अगर ओडीआई सीरीज में जाएंगे तो एक अच्छा इनिशिएटिव है अफरीदी की तरफ से कि उन्होंने अपने घर में इन्वाइट किया पूरी टीम को। और खाने में क्या था, वो तो शाहिद अफरीदी साहब कहते हैं कि जो हमारे घर में जो आता है तो हम लोग सिर्फ रोश ही पसंद करते हैं, ऐसी ऐसी चीजें ऐसी लाजमी बात है। पठान है तो कम से कम कोई पेशावरी डिशेज भी होंगी स्पेशल जो होंगी जो पठान लाइक करते हैं, और ज्यादातर पाकिस्तान टीम में है भी पठान और गोश्त चला होगा यार, लेकिन ये तो अभी पीसीबी ने रिलीज नहीं किया और ये हमें जान के कोई फायदा भी नहीं, कोई अच्छी बात है, लेकिन मेरा ख्याल अच्छा खाने होगा जो भी होगा, और वो मुझे बताएं अगर वो बताते तो शायद उनको नजर भी लग जाती और हमें भूख लग जाती। जावेद अफरीदी सब आए थे? नहीं नहीं वो नहीं आए, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की दावत थी। अच्छा 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 जी, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह। अभी बातें सुन के मुझे भी भूख लग रही है।